साथियों, आज हम नए विषय में बात करेंगे। वो आपसे मेरा अपील है कि जो पिछले वीडियो हैं और आगे के जो वीडियो हैं, आपसे अपील है कि उन वीडियो को जरूर सुने। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज के तारीख में असल एजेंडे क्या है, इसको साथी हमको समझना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले सरकार में जो वादे किए थे वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, और साथ में जो नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक जो जितने भी इन्होंने पॉलिसियां लागू की थी देश के अंदर, वो सारी पॉलिसियां फेल हुई हैं, जिसकी वजह से देश का जीडीपी आज 4% पे आ गया। तो आज यूथ का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद है। शिक्षा को निजीकरण करके शिक्षा पे जो नीति लेके आए उसमें शिक्षा व्यवस्था को पूरा चौपट कर रहे हैं। सारा निजीकरण करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को ये पूरे तरीके से बड़े बड़े नन्ना सेठों के हाथ में ले जाना चाह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। आम आदमी जो देश की मास जनता है वो शिक्षा में जो है वो शिक्षा नहीं ले पाएगी, अशिक्षित रहेंगे। आरएसएस से चाहता है कि अगर जितनी जनता शिक्षित रहेगी उनको उतना ज्यादा मूर्ख बनाने में आसानी होगी। कारखानों के अंदर परमानेंट नौकरी खत्म हो गई, फिक्स टर्म लेके आगे सारे श्रम कानून ठिकाने लगाए दे रहा है। नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अब स्थायी नौकरी नहीं मिलनी है। साल दो साल लगाएंगे फिर भगा देंगे। कितना वेतन देंगे कोई नहीं, नौकरी किस दिन चली जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कानून बनाने वाले नहीं है, ये कानून बना दिए हैं, बना चुके हैं। ये हमको समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम धर्म से अंधे हो गए हैं, और धर्म के नाम पर नशा इतना तगड़ा चढ़ा है कि हम जीवन के, अपने बच्चों के, अपने जीवन के, जिंदगी के असल सवालों को भूल गए हैं। आज की तारीख में नौजवान कारखानों में काम कर रहा है जिसको पता है कि परमानेंट नहीं होने वाला, मगर वो अपनी जिंदगी के बारे में सवाल नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं रहा कि जब मेरे को 2 साल से यहां से नौकरी से हटा दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। शादी होगी मेरी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, मेरे को कहीं रोजगार का, स्थायी रोजगार का कोई जरिया नहीं है, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये सोच ही नहीं रहा हूं। मोबाइल में घुसा है, गाने सुन रहा है, फिल्में सुन रहा है, जय श्री राम कर रहा है, जय जय श्री राम कर रहा है। आरएसएस के दुनिया के एजेंडे चल रहे हैं, उनको बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, पैसे बांटते हैं, पैसे की दम पे लोगों को इकट्ठे करते हैं, शराब पिलाते हैं, नशा कराते हैं, दारू पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, ये सब चल रहा है। तो किधर जा रहा देश हमारा, ये भयंकर स्थिति है साथ। ये यूथ पूरा, इससे देश का भला होगा क्या इस नीति से, बता दीजिए आप, भला होगा क्या इस नीति से, ये हमारे यूथ को समझना है साथ। ये गलत नीति है, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा पूरा गलत है, इसलिए वो हिंदू धर्म एनआरसी हिंदू मुसलमान का लड़ाई बार बार लेके आ रहे हैं। समझ जाओ अच्छी तरीके से, ताकि आप अपने असल सवालों का, जिंदगी से जुड़े सवालों पे, मुद्दों पे, देश में देश बंद, हड़ताल, आवाज उठाएं, मांग उठाएं, सड़क जाम करें, आंदोलन करें, राजनीतिक रूप से खड़े हों, ये आपको समझना है। इसलिए आपके दिमाग को धार्मिक रूप से कुंद करके, सुन्न करके ये कर दिया, ये कर रहे हैं। ये यूथ को समझना है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में देश कभी उन्नति कर नहीं सकता, गारंटी है इस बात की, कभी नहीं कर सकता है। ये हमारे यूथ को समझना है। आज की तारीख में यूथ का साथियों जरूरत यह है कि धर्म के नफरत के सवालों से बाहर निकल करके हमको अपने जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, नौकरी का सवाल हो, पेंशन का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, सस्ती शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, ये सारे जो असल सवाल हैं, जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, इस पर हमको बहस करनी है। इस पर हमको नरेंद्र मोदी सरकार क्या कानून बना रही है पूछना है। ये मीडिया इस बात को कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि मीडिया मैनेज है, पूंजीपतियों का मीडिया है। पूंजीपति देश के यूथ का शोषण करना कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसलिए मीडिया आपको हमेशा हिंदू मुसलमान का डिबेट ही दिखाएगा, और हिंदू मुसलमान की डिबेट में आपको लड़ाएगा, आपके दिमाग में वही विकृतियां बार बार डालेगा। इस बात को हमको समझना, एक साजिश है,
एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है, जिसको हमको साथियों समझना है। इसलिए हमको इस हिंदू मुसलमान के झगड़े से बजाय जीवन से जुड़े सवालों पर बहस करना है, मुद्दा लड़ना है, हमको धरना प्रदर्शनों में शामिल होना है, कोई भी कॉल देता है उसके साथ खड़ा होना है, जो जिंदगी से असल जुड़े सवाल है। ये मेरी देश के युवाओं से अपील है, नौजवानों से अपील है, जो बीजेपी आरएसएस में काम कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि आप क्यों ऐसी क्यों इस विकृति अपने दिमाग को कुंद करने में लगे हुए हो। और मेरी उम्मीद है साथियों कि इस वीडियो के सुनने के बाद आपको बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे, तो आप इस सवालों को उठाइए, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, और जिस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करिए, तो कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो हम बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद।